रविवार की सुबह थाना बरसाना क्षेत्र के अंतर्गत बरसाना से गोवर्धन मार्ग पर चलती कार की खिड़की खुल गई, जिसमें दो युवक बीच रोड पर कार से नीचे गिर गए और बुरी तरीके से जख्मी हो गई। आनन फानन में परिजनों के द्वारा दोनों घायल युवकों को प्राथमिक चिकित्सालय बरसाना लाया गया, लेकिन दोनों युवकों की हालत गंभीर देखते हुए मथुरा के लिए रेफर कर दिया, लेकिन मथुरा जिला अस्पताल में भी उनकी हालत गंभीर को देखते हुए एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा के लिए रेफर कर दिया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए घायल युवक के पिता पप्पू गुप्ता निवासी मंगलपुरी दिल्ली ने बताया कि वे अपने परिवार के साथ रविवार की सुबह बरसाना राधा रानी के दर्शन करने आए थे, तो दर्शन करके गोवर्धन के लिए जा रहे थे कि तभी बरसाना से 2 किलोमीटर दूर चलने के बाद अचानक उनकी कार की खिड़की खुल गई, जिसमें उनके दोनों पुत्र सचिन और आंसू बीच में रोड पर गिर गए और बुरी तरीके से घायल हो गए, जिससे परिजनों ने चीख बुखार मच गई और आनन फानन में दोनों को जिला अस्पताल के लिए लाया गया, लेकिन सचिन की हालत गंभीर होने के कारण उसे आगरा के लिए रेफर कर दिया गया। पप्पू गुप्ता, मंगोलपुरी दिल्ली। तो आप कहाँ आए, तो क्या हादसा हुआ आपके साथ? ये राधा रानी के मंदिर आए थे सर, वो चलती गाड़ी में हमारी गाड़ी का खुद गाड़ वो ढक्कन खुल गया। राधा रानी बरसाना जी? कौन सी गाड़ी चला रही थी? ये टाटा एस थी। आप चला रहे थे गाड़ी? हाँ। कैसे खुल गया था? चलती गाड़ी में नट खुल गया, तो वो वहीं किनारे से बैठे थे लड़के, तो वो वहीं के वहीं गिर गए। धीरे थी गाड़ी, ज़्यादा तेज नहीं थी। मेरे दोनों बेटे हैं। उम्र बड़े वाले की है 25 साल, आंसू गुप्ता। छोटे वाले की है 23 साल, सचिन गुप्ता। जी सर। ये अपने राधा रानी मंदिर से 2 किलोमीटर आ गए। जी सर। वहाँ वो एक हॉस्पिटल था, वो पता नहीं कौन सा था, वहाँ से फिर उनको उन्होंने यहाँ भेज दिया। जी।